कई बार रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे पार्टनर उनकी गलतियों पर हमें ही इग्नोर करता है। कई बार क्या होता है ना, पार्टनर के साइड से कुछ ऐसी गलतियां होती है, हम उनकी गलतियां उन्हें समझाने के लिए तैयार होते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर उनकी खुद की गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। पार्टनर ऐसे शो करता है जैसे उनके साइड से कुछ गलतियां हो ही नहीं रही है, और इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। कई बार रिलेशनशिप में पार्टनर के साइड से कुछ गलती होती है, हम उनके गलतियों पर माफ़ करने के लिए उन्हें तैयार भी होते हैं, लेकिन वो माफ़ी मांगने के लिए ही तैयार नहीं रहते, और इस सिचुएशन में हम परेशान होते चले जाते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल के मदद से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि पार्टनर से आपकी रोज़ बहुत अच्छे से बातचीत होती है, लेकिन अब धीरे धीरे पार्टनर ने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, या फिर कह लो पार्टनर पहले जैसे आपको टाइम देता था, पहले जैसे आपकी केयर करता था, पहले जैसे आपसे बातचीत करता था, धीरे धीरे पार्टनर का वो बिहेवियर अब बदल गया। पार्टनर पहले जैसी बातचीत नहीं करता है, ज़्यादा बात नहीं करता है, या फिर कह लो बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है। अब इस सिचुएशन में हम तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें तो आदत लग जाती है पार्टनर से बातचीत करने की। पार्टनर से बातचीत नहीं होती है तो हम परेशान हो जाते हैं, फिर हम उन्हें उनकी गलती समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी गलती समझने के लिए तैयार ही नहीं रहते। वो ऐसे शो करते हैं जैसे उनके साइड से कोई गलती हुई ही नहीं है, वो आपको ही ब्लेम करते हैं, वो आपको ही ब्लेम करके आपको ही इग्नोर करते हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे साइड से तो कोई गलती हुई नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टनर हमें ब्लेम कर रहा है। हम उन्हें उनकी गलती बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उनकी गलती समझाते वक्त वो हमें ही ब्लेम करते हैं। सबसे पहली बात हमेशा याद रखना, जब भी पार्टनर को उनकी कोई गलती समझानी है तो लिमिटेड वर्ड्स यूज करो, कम शब्दों में उन्हें उनकी गलती बताने की आदत रखो। कई बार क्या होता है ना, जब भी हमें आगे वाले की गलती दिखती है तो सारा दिन हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं। अब नो डाउट, सोचने के वजह से हमारे मन में बहुत सारी बातें आ जाती है, और वो सारी बातें हम उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, और जब भी उनसे बातचीत होती है हम उन्हें उनकी गलती बताने लग जाते हैं, और बच्चों के जैसा उन्हें समझाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप कम शब्दों में उन्हें उनकी गलती नहीं बताओगे, कई बार क्या होता है ना, इनफ है इतना कहना कि पहले जैसी बातचीत होती है ना, अब आप वैसे बातचीत नहीं करते हो, अगर आप इतना भी कह दोगे ना तो खुद भी वो समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो इंस्टेंटली समझने की कोशिश ना करें, लेकिन जब भी आप कम शब्दों में उन्हें बताते हो ना तो उन्हें आपको ब्लेम करने का मौका नहीं मिलता है। हम क्या करते हैं, हम उन्हें बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश करते हैं कि आप तो पहले इतना टाइम देते थे, अभी तो आप जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो, अभी तो आप जानबूझ के बिजी रह रहे हो, बिल्कुल भी बात नहीं करते हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी बातें हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से वो हमें ही ब्लेम करते हैं, वो हमें इग्नोर करना सीख जाते हैं, वो फिर हमें जानबूझकर इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं उन्हें समझाने की। इसलिए हमेशा याद रखना कि जब भी पार्टनर को उनकी गलती समझानी है तो कम शब्दों में ही समझानी है। जितने कम शब्दों में आप उन्हें उनकी गलती समझाओगे, उन्हें उनकी गलती उतनी ही समझ आएगी। आपके मन में हजारों बातें चल रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें आप उनके सामने रख कर उन्हें समझाओ। ये आदत अच्छी नहीं है, क्योंकि आपका मन सारे दिन में बहुत सारी बातें सोचेगा, और वो सारी बातें अगर आप उनके सामने रखने की कोशिश करोगे तो उन्हें उनकी गलती कभी समझ में ही नहीं आएगी। उन्हें मत बताओ इतना, केवल इतना बताओ कि वो कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। इतनी बातें जब आप कम शब्दों में बताते हो ज़रूर फ़ायदा होता है। दूसरी बात जो और ज़्यादा ज़रूरी है, फाइट करके उन्हें मत समझाओ। ये हमारा बेसिक बिहेवियर हो जाता है, जब भी पार्टनर हमारे हिसाब से नहीं चलता है और जब भी फिर हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे फाइट होती ही होती है, और फाइट होने के बाद हम उन्हें हमारी बातें समझाने की कोशिश करते हैं और वो उनकी बातें हमें समझाते हैं। अब क्या होता है ना, आपको एक माइंड में बहुत क्लियर रखना है कि जब भी फाइट करके आप उन्हें उनकी गलती समझाओगे तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको ही ब्लेम करेंगे। इसलिए रिलेशनशिप में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे पार्टनर उनकी खुद की गलती पर हमें ही ब्लेम करते हैं।
इसीलिए अगर आप चाहते हो कि ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में ना आए, तो उन्हें कोई बात समझाते वक्त, कोई बात डिस्कस करते वक्त फाइट नहीं होनी चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखो। अब आप कहोगे कि हम तो फाइट नहीं करते, पार्टनर ही फाइट करता है। तो जब भी पार्टनर फाइट करने के लिए रेडी हो जाए, उस वक्त आप चुप हो जाओ। आप फिर उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, उस सिचुएशन में डिस्कस मत करो। कई बार क्या होता है ना कि हम समझ ही नहीं पाते कि पार्टनर को किस तरीके से हमें समझाना चाहिए। एक सही तरीका आपको बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो तरीका क्या है, आप ध्यान से समझना। उन्हें ये मत बताओ कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, बस उन्हें इतना बताओ जो आप फील कर रहे हो। हम क्या करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और उन्हें ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर जैसे मान लो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप उन्हें इतना भी कहते हो ना कि आप इग्नोर कर रहे हो ना, उस वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ अगर हो सके ना तो आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो। इतनी बातें अगर आप बता दोगे ना, इनफ है। यकीन करो, हम जब सोचते हैं ना कि इतनी कम बातों में वो नहीं समझेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि वो कम बातों में ही समझेंगे। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा बातें उन्हें बताओगे कि आप तो वहाँ पे बिजी थे, 10 बजे तो आप ऑनलाइन आए थे, लेकिन फिर भी आपने मुझसे बात नहीं की, फिर हम उन्हें मैसेजेस टाइप करके भेजते हैं कि आप ये कर रहे हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपकी ये गलतियाँ है, यानी कि वहाँ पे हम इतनी बातें डिस्कस करते हैं। देखिए, डिस्कस करना ज़रूरी है लेकिन लिमिटेशंस के साथ। हम इतनी ज़्यादा बातें डिस्कस करते हैं और वो बातें डिस्कस करने के वजह से ही फाइट हो जाती है, और जब फाइट होती है तो मान के चलो आप तो उनके दुश्मन हो, वो इस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। बहुत अजीब बात है, जिससे हम प्यार करते हैं वही हमें एक दुश्मन के जैसे ट्रीट करता है, लेकिन सिचुएशन वैसी बन जाती है। अगर आप फाइट करने से बचोगे या फाइट होने वाली सिचुएशन ही नहीं आने दोगे, देन यकीन करो, ट्रस्ट मी, फिर वो आपकी बात समझेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, जब भी आप उन्हें कोई बात समझाते हो तो अपने माइंड में एक बात क्लियर करो कि उसी वक्त वो आपकी बात नहीं समझेंगे। हो सकता है वो बात समझने के लिए उन्हें 2-3 दिन का टाइम लग जाए। ऐसा नहीं है कि सुबह आपने उन्हें कोई बात समझाई या फिर आफ्टरनून में आपने उनको कोई बात समझाई और वो समझ जाएंगे। हो सकता है 2-4-5 दिनों तक वो आपकी बात ना समझे, लेकिन 2-4-5 दिनों तक आपको क्या करना चाहिए, फाइट नहीं होनी चाहिए। इसलिए ज़्यादा डिस्कस मत करो, ज़्यादा टाइम मत दो, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश मत करो। कम शब्दों में उन्हें उनकी गलती उनके सामने रख दो और ये सोचो कि 3-4 दिन आप उन्हें दोगे समझने के लिए। जब आप इतना टाइम देते हो उन्हें, यकीन करो तब वो आपकी बात को समझते हैं, तभी उन्हें समझ में आता है कि आपको समझना ज़रूरी है। लेकिन क्या होता है, डिस्कस करने की वजह से फाइट हो जाती है और जो बातें थी, जो बातें इम्पॉर्टेंट है, वो सारी बातें पीछे रह जाती है, फाइट किसी और ही टॉपिक पे आ जाती है, और फाइट होने की वजह से कई बार सिचुएशन ब्रेकअप तक चले जाती है। यानी कि किसी और बात पे फाइट हो रही थी, अब किसी और बात पे आप डिस्कस कर रहे हो और सीधा रिलेशनशिप को एंड होने की बातें हो रही है। इसीलिए डिस्कस करने से बचो। तीसरी बात जो इसी से रिलेटेड है, कभी भी पास्ट की बातें इस सिचुएशन में मत निकालो। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे अगर थोड़ी भी चिंगारी लगती है तो आग जल जाएगी। इसीलिए पास्ट की अगर आप कोई भी बातें डिस्कस करते हो, चाहे वो छोटी ही बात क्यों ना हो, उस बात पे भी बहुत बड़ी फाइट हो जाएगी। इसीलिए इस सिचुएशन में आपको किसी भी तरीके से कोई भी पास्ट की बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ था, 2 महीने पहले क्या हुआ था, 4 महीने पहले क्या हुआ था, 6 महीने पहले क्या हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पास्ट को हमेशा क्लियर करो। पास्ट के बारे में डिस्कस करना रिलेशनशिप में ज़रूरी होता है, लेकिन ये सिचुएशन नहीं है जहाँ पे आप पास्ट की गलती उन्हें बताओ। प्रेजेंट की गलती आपके सामने है, प्रेजेंट की गलती उन्हें समझाओ। जब रिलेशनशिप थोड़ा बेटर हो जाए तब आप पास्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हो। लेकिन अगर आप सब एक साथ ही डिस्कस करने की कोशिश करोगे ना, तो आप अंदर से जलते रहोगे, आपके अंदर ना शांति नहीं रहेगी, पीस नहीं रहेगी, आप डिस्टर्ब होते रहोगे, क्योंकि आप पास्ट की बातें भी सोच रहे हो, प्रेजेंट की बातें भी सोच रहे हो, तो पार्टनर को नहीं पता, लेकिन आप इतने डिस्टर्ब हो जाओगे कि आप खुद को संभाल नहीं पाओगे। इसलिए क्या ज़रूरी है, खुद को बहुत शांत तरीके से बताओ कि केवल प्रेजेंट की अगर कोई गलती वो कर रहे हैं तो उन्हें आप केवल प्रेजेंट की बातें बताओगे, कम शब्दों में बताओगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करोगे। पास्ट की कोई भी गलती किसी भी तरीके से इस सिचुएशन में उनके सामने
नहीं निकालोगे क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप इस तरीके से उन्हें उनकी गलती बताओगे देन यकीन करो थोड़ा टाइम लग सकता है, 5-6 दिन या 1 हफ्ता लग सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से समझाओगे तभी उन्हें समझ में आएगा। वेल अभी भी मन में कोई सवाल है डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। वेल पेड कंसल्टेशन के लिए आपको मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पर 9834250097। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी और प्राइवेसी की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हो सकता है आपके लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे बात करके काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाए, इसलिए जल्दी से मैसेज कीजिए और आपके मन में जो भी सवाल है रिलेशनशिप से रिलेटेड वो आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो। वेल अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए, देखिए वहाँ पर मैं 1-1 मिनट के ना काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ बनाता हूँ, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।